नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली वर्सेस कोलकाता का 16वां मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन एंड पिच रिपोर्ट कवर करने वाला हूँ। बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो किसको मिलेगा? कल का प्रेडिक्शन आप देख सकते, मैंने आपको बता के रखा था डेकोक, उसके बाद निकले सूरन के बारे में बता रखा, क्योंकि दोनों जो आते हैं तो लास्ट के मोमेंट में आपको क्लियर एकदम परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं, और वही कप्तान एंड उपकप्तान के काम किए थे सबसे पहले आप देख सकते। और मैंने आपको बता के रखा था कि अगर डेकॉक स्टार्टिंग में बैटिंग करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक होता है, और वैसे ही वर्ल्ड कप में अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। अगर चेस करने जाते हैं तो हमेशा आउट हो जाते हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कल का गिवे का मैंने पेमेंट दे दिया है। आज देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि आज के मैच में कौन अच्छा कप्तान करेगा, कौन कप्तान का काम करने वाला। बस आपको यही से प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए अगर बात करता हूं तो दिल्ली का आपको पता होगा कि इस मैच में खेला जा रहा है विशाखापट्टनम में। तो पहला जब मैच खेला गया था 13वां, तो इसमें सीएसके वर्सेस दिल्ली के बीच में खेला गया था, और दिल्ली उस मैच को चेस कर गया था। अगर स्टेडियम की बात करें, राजशेखर स्टेडियम विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, क्योंकि अगर इसमें देखा जाए तो बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा, लास्ट के मोमेंट में आपको क्लियर बता दूंगा। अगर इसमें टोटल मैचेस की बात करें तो इसमें टोटल मैचेस 14 खेला गया है। फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 7 बार जीती है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम भी 7 बार जीती है। लेकिन अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 जाने वाला है। अगर हाईएस्ट की बात करें तो 206 जाने वाला है। अगर लोवेस्ट की बात करें तो 92 जाने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस पिच में फास्टर को सपोर्ट मिलेगा या आपको स्पिनर को मिलेगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो 61% जो विकेट लिया गया है इसमें फास्टर लिया है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो 39% जो विकेट लिया गया है वो आपको स्पिनर लिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो इस स्टेडियम में यानी विशाखापट्टनम में तो कितना मैचेस खेला गया, तो अभी मैं बता दूं, पहला जो मैचेस खेला गया था दिल्ली पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बना था 5 विकेट पर 20 ओवर में, और पेसर को 9 विकेट मिला था। लेकिन चेन्नई इस महा मुकाबला को चेस नहीं कर पाई थी और 171 रन ही बना पाई थी 6 विकेट पर 20 ओवर में। स्पिनर को इसमें 2 विकेट मिला था। अगर वही दूसरा मैचेस की बात करें, हैदराबाद पहले बैटिंग करते हुए 162 रन बना था 8 विकेट पर 20 ओवर में, और पेसर को 10 विकेट मिला था। लेकिन डीसी इस मैच को जीत नहीं पाया था और 165 रन ही बना पाया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिनर इसमें 4 विकेट मिल पाया था। लेकिन अगला मैचेस बात करें तीसरा, तो दिल्ली पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाया था 9 विकेट पर 20 ओवर में, पेसर को इसमें 6 विकेट मिला था। लेकिन चेन्नई इस महा मुकाबला को भी चेस नहीं कर पाया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए तो कोई भी मैचेस होता है तो आपको इस तरह से ध्यान से रखना है कि पिच रिपोर्ट क्या कहता है, बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलेगा या आपको गेंदबाजों को मिलेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में हेड टू हेड मैचेस देखा जाए तो केकेआर अभी 3 मैचेस विन करके आ रही है इससे, और दिल्ली हेड टू हेड में इससे 7 मैचेस विन करके आ रही है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए इस स्टेडियम में तो पिच रिपोर्ट क्या कहता है, तो यह पिच हाल में बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल है और यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले की संभावना है। हालांकि स्पिनर को भी पिच काफी ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि अगर कोलकाता बैटिंग करती है तो आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा। आंद्रे रसल लास्ट मोमेंट में आपको कुछ ऐसे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे जो आपको कैटर में काम करने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉलिंग भी कराते हैं, डेथ ओवर में भी बॉलिंग कराते हैं और अच्छे खासे विकेट निकाल कर दिला सकते हैं। इसलिए आपको आंद्रे रसल को अपनी टीम में कप्तान बना के जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो कोलकाता का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा फ्लिप साल्ट जो अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाते हैं। अगर भाई दूसरे नंबर पर बात करें तो वेंकटेश अय्यर, क्योंकि इसमें सुनील नारायण फ्लिप साल्ट के साथ ओपन कर रहे हैं। अगर भाई बात करें श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा और आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, आपको आर सिंह जो आपको सब्स्टिट्यूटेड में देखने को मिलेगा, और सुनील नारायण, उसके बाद एम स्टिक, वरुण चक्रवर्ती, यश राणा और यश शर्मा जो आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिलेगा। अगर कोलकाता बैटिंग करती है तो आपको इसमें आर सिंह देखने को मिलेगा, अगर बॉलिंग करती है तो आपको सुरेश शर्मा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए इन सब का रिसेंटली परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे पहले रमनदीप सिंह को देखा जाए तो इनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनको अपनी टीम से ड्रॉप करके भी जा सकते हैं। और एक मैच में इन्होंने 35 रन
का अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाया था, वो मैच पहला था। लेकिन अगर सुनील नारायण की बात करें तो पिछले मैच में 47 रन प्लस एक विकेट लिया था और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। चलिए अगर वही बात करें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो फिलिप शॉर्ट एंड उसके बाद वेंकटेश अय्यर दोनों ही पिछले मैच में 30 रन, उसके बाद वेंकटेश अय्यर 50 रन का शानदार पारी खेलकर दिलाए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता कि अगर इसमें देखा जाए तो श्रेयस अय्यर एंड उसके बाद नीतीश राणा तीन मैचों से फ्लॉप जा रहे हैं। एंड यहां पर श्रेयस अय्यर को देखा जाए तो इन्होंने 39 रन का शानदार पारी खेला था और यही अपने टीम को जिता दिए थे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आंद्रे रसल और रिंकू सिंह, तो आपको फिनिशर के रूप में आप रिंकू सिंह को सेलेक्ट कर सकते हैं लास्ट के मोमेंट में अगर कोलकाता बैटिंग करती है तब। लेकिन अगर इसमें देखा जाए आंद्रे रसल पिछले मैच में 2 विकेट प्लस 64 रन अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। अब यहां पर देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए मिचेल स्टिक 3 मैचों से 0-0 विकेट ले रहे और इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। बड़ा प्लेयर है, विकेट भी कभी भी ले सकता है, इसलिए इनको अपने टीम में लेकर जा सकते हैं। अगर वही बात करें वरुण चक्रवर्ती तो ये भी पिछले मैच में फ्लॉप गए थे और इनको पीट पड़ गई थी और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में चले गए थे। लेकिन अगर वही बात करें हर्षित राणा जो पिछले मैच में 2 विकेट उसके पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे और अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिला सकते हैं। और वही बात करें सूर्य शर्मा जो पिछले मैच में 0 विकेट लिया था उसके पिछले मैच में 0 विकेट लिए थे। अब चलिए यहां पर देखा जाए अगर कोलकाता का स्टार्टिंग बॉलिंग बात करें तो हर्षित राणा, उसके बाद अनुकूल रॉय, उसके बाद मिचेल स्टिक, यही तीन जो बॉलर होंगे आपको स्टार्टिंग बॉलिंग करें। डेथ बॉलिंग की बात करें तो हर्षित राणा, आंद्रे रसल और मिचेल स्टिक होने वाले। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपको आंद्रे रसल सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। अब चलिए यहां पर देखा जाए तो दिल्ली का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, क्या प्लेइंग 11 चेंजेस देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करूं पिछले मैच में ही एंट्री करते हुए पृथ्वी शॉ ने 50 रन प्लस अच्छे परफॉर्मेंस करके दिया था। और यही बात करें डेविड वार्नर और मिचेल मार्श और उसके बाद ऋषभ पंत भी पिछले मैच में अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाते और टी स्टुबिट और ए पोरल और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इस मैच में खेलने वाले। मुकेश कुमार अंडरंग नोकिया, उसके सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट खलील अहमद और यश आलम, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपको सब्स्टिट्यूट प्लेयर रूप में देखने को मिलेगा और पृथ्वी शॉ आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखने को मिलेगा। अब चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर कोलकाता का देखेंगे रिसेंट फॉर्म तो पृथ्वी शॉ एक ही मैच में 43 रन अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। अगर वही डेविड वार्नर की बात करें तो पिछले मैच में 52 रन, उसके बाद 29 रन, 11 रन, इस तरह से इनका परफॉर्मेंस होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो मिचेल मार्श का तो पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट 18 रन ही बना पाए थे। ऋषभ पंत पिछले मैच में 51 रन का शानदार पारी खेले थे और सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाए थे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, उसके पिछले मैच में 44 रन का शानदार पारी खेल के दिलाए थे। अभिषेक पोरल की बात करें तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके ही जाना है क्योंकि इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होता है। अब चलिए यहां पर देखा जाए तो खलील अहमद पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, उसके बाद बात करें तो रशीद सलाम पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करके जाना है। आगे मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि कौन सा वह 11 खिलाड़ी होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है। लेकिन अगर वही बात करें अनुरंग नकिया पिछले मैच में भी फ्लॉप गए थे, उसके बाद मुकेश कुमार पिछले मैच में 3 विकेट लिया था और अच्छे खासे आपको कैटरिंग काम करने वाले थे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए आज का जो ट्रम्प कार्ड होने वाले अक्षर पटेल पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे और कुलदीप यादव इस मैच में खेलने वाले। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर इसमें देखा जाए तो दिल्ली का स्टार्टिंग बॉलिंग और डेथ बॉलिंग कौन करा सकता है, तो स्टार्टिंग बॉलिंग बात करें तो आपको ईशांत शर्मा, खलील अहमद और अनिरंग नोकिया होने वाले। लेकिन डेथ बॉलिंग की बात करें तो मुकेश कुमार, उसके बाद खलील अहमद और ईशांत शर्मा होने वाले। यही जो तीन बॉलर होंगे ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ड्रीम 11 चेंजर बनाएंगे। अब चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले कि आज का वह कौन सा वह तीन लो परसेंटेज होगा जो आपको अपने ड्रीम टीम में शामिल करना है, कप्तान एंड उप कप्तान किसको बनाना है। एंड वह बात करूं 7 ट्रम्प प्लेयर कौन होने वाले, सबसे पहले अगर प्लेयर की बात करें तो आपको 7 वह प्लेयर लेकर जाना है। ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, आंद्रे रसल, श्रेयस और सुनील नारायण, या जो 4-7 होने वाले बैटर अपने टीम में लेकर जाना है। कप्तान की बात करें तो सुनील नारायण को बना सकते हैं क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग कराते हैं स्पिन में, अगर 2 विकेट ले लिए और स्टार्टिंग में बैटिंग कराते हैं अगर 20-30 रन भी मार दिए तो आपको कैटर का काम करने वाले। डेविड वार्नर और आंद्रे रसल सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। अगर वही बात करें 3 लो परसेंटेज तो आपको ड्रीम 11 चेंजर बनाने वाले मुकेश कुमार, पृथ्वी शॉ, उसके बाद अनुकूल राव जो आपको ड्रीम
ड्रीम 11 चेंजर बनाएंगे। अब चलिए यहां पर देखा जाए तो फाइनल टीम क्या होने वाली है। तो इसमें मैंने ले रखा फिलिप साल्ट को ले रखा है जो अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। बैटर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर, उसके बाद श्रेयस अय्यर और डेविड वार्नर होने वाले। क्या ये तीन बैटर के साथ में इस बार चलने वाला हूं। लेकिन ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने अक्षर पटेल को ले रखा है और आंद्रे रसल, मिचेल मार्श एंड सुनील नैनाल को ले रखा है। आंद्रे रसल को इस बार मैंने कैप्टन बना के रखा है। अगर बैटिंग करते हैं तो भी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे, अगर बॉलिंग करेंगे तो भी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। अगर वही बात करूं तो आपको बॉलर में तो आपको हर्षित राणा और खलील अहमद और मिचेल स्टार्क को ले रखा है जो अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। अगर दोस्तों इसमें कोई भी चेंजेस होता है, अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो सबसे पहले आपको करना क्या कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर गिवे भी स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपको गिवे जीतना है तो आपको प्यारा सा कमेंट कर देना कि आज का जो मैच होगा उसमें कौन सा कैप्टन काम करने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।